चालू सप्ताह के दौरान जीरा कीमतों में गिरावट देखने को मिली है दरअसल प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात की मंडियों में नए जीरे की दैनिक आवक बढ़नी शुरू हो गई है जबकि वर्तमान में निर्यातक एवं लोकल स्टॉकिस्टों की लिवाली कमज़ोर बनी हुई है क्योंकि अधिक उत्पादन के कारण बाजार में धारणा मंदे की बनी हुई है लिवाल अभी और भाव घटने का इंतजार कर रहा है आगामी दिनों में नए मालों की आवक बढ़ने के बाद कीमतों में और गिरावट आने के अनुमान है वर्तमान में गुजरात की मंडियों में नए जीरे की आवक हो रही है जबकि मार्च माह में राजस्थान की मंडियों में भी नए मालों की आवक शुरू हो जाएगी इस वर्ष बिजाई बढ़ने के अलावा मौसम भी फसल के अनुकूल बना हुआ है जिस कारण से अधिक उत्पादन के साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी आने की संभावना है फिलहाल प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात की ऊँझा मंडी में नए जीरे की दैनिक आवक 9 से दस हजार बोरी एवं गोंडल में 5 से छह हजार बोरी की हो रही है जबकि राजकोट में आवक तीन से चार हज़ार बोरी एवं जाम जोधपुर में एक हज़ार पाँच सौ से एक हज़ार आठ सौ बोरी नए जीरे की आवक शुरू हो गई है वर्तमान में मंडियों में नए जीरे के भाव सत्ताईस हज़ार पाँच सौ से बत्तीस हज़ार रुपये प्रति क्विंटल से बोले जा रहे हैं व्यापारियों का कहना है कि उत्पादक केंद्रों पर अधिक बिजाई एवं अनुकूल मौसम के चलते इस वर्ष देश में जीरे का उत्पादन नब्बे से पचानवे लाख बोरी के आसपास हो जाना चाहिए जबकि गत वर्ष उत्पादन 55 से अट्ठावन लाख बोरी का रहा था वर्ष 2022 में उत्पादन 50 से 55 लाख बोरी का हुआ था वर्ष 2021 में जीरा उत्पादन 80 से बयासी लाख बोरी एवं 2020 में उत्पादन 80 से पचासी लाख बोरी का रहा था वर्ष 2019 में उत्पादन 60 से पैंसठ लाख बोरी का हुआ था वहीं अगर जीरे के निर्यात की बात की जाए तो चालू वित्त वर्ष के शुरुआती दो माह अप्रैल से मई के दौरान जीरे के निर्यात गत वर्ष की तुलना में अधिक रहा लेकिन इसके पश्चात निर्यात घटा प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 2023 में निर्यात 17 सत्रह टन का हुआ जबकि अप्रैल 2022 में निर्यात दस टन का हुआ था मई 2023 में निर्यात 25975 टन का हुआ जबकि मई 2022 में निर्यात 15639 टन का रहा था जून 2022 में निर्यात 20345 टन का हुआ था जो कि जून 2023 में घटकर 9829 टन का रह गया जुलाई 2022 में निर्यात 20345 टन का हुआ था जो कि जुलाई 2023 में घटकर 7994 टन पर आ गया अगस्त 2023 में निर्यात 7640 टन का हुआ जबकि अगस्त 2022 में निर्यात 24439 टन का रहा था सितंबर 2023 में निर्यात 7196 टन अक्टूबर 2023 में 7627 टन का रहा नवंबर 2023 में निर्यात 9712 टन का हुआ जबकि नवंबर 2022 में निर्यात 11685 टन का रहा था भाव घटने के कारण दिसंबर जनवरी में निर्यात में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है दिसंबर 2022 में निर्यात 12,100 टन का रहा था जो कि दिसंबर 2023 में बढ़कर 13,725 टन का हुआ था जनवरी 2023 में निर्यात 9,325 टन का रहा था जो कि जनवरी 2024 में बढ़कर चौदह टन का हो गया दरअसल गत वर्ष पैदावार कम होने एवं शुरुआती दौर में निर्यात बढ़ने के कारण जीरे की कीमतों में रिकॉर्ड तेज़ी दर्ज की गई थी और उत्पादक केंद्रों की मंडियों पर भाव 620 से 630 रुपए रुपये के स्तर पर पहुंच गए थे मगर चालू सीजन के दौरान उत्पादन बढ़ने एवं नए मालों की आवक शुरू हो जाने में कीमतें घटकर तीन सौ से तीन सौ रुपये पर आ गई है और अभी भी धारणा मंदे की बनी हुई है जानकारों का मानना है कि वर्तमान कीमतों में अभी भी 30 से 40 रुपए प्रति किलो की गिरावट आनी चाहिए जो कि संभवत मार्च माह में आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं क्योंकि मार्च माह में गुजरात के अलावा राजस्थान की मंडियों में भी नए मालों की आवक बढ़नी शुरू हो जाएगी ब्यूरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी